झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन की हार के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहली बार समीक्षा बैठक की। लखनऊ पार्टी कार्यालय में 3.5 घंटे तक नेताओं ने बात की। इस मीटिंग में झांसी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे सियासत गर्मा गई। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से स्पष्ट कह दिया कि वह अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते बल्कि पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। प्रदेश में सपा की सरकार बनाना ही उनकी प्राथमिकता है। इस पर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। इस मीटिंग में जहां से ललितपुर के सपा पदाधिकारी शामिल थे। लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 4 सीटों में से 3 पर सपा की अगुवाई में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने में कामयाब रहा था। केवल झांसी ललितपुर सीट पर ही गठबंधन प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। हार की समीक्षा के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में झांसी और ललितपुर के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें दीप नारायण ने पार्टी सुप्रीमो से कहा कि वह विधानसभा के टिकट के दावेदार नहीं है और अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। अखिलेश ने भी उनकी बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया जबकि विधानसभा के अगले चुनाव के लिए गरौठा विधानसभा से दीप नारायण को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। क्षेत्र में भी वे लगातार सक्रिय बने हुए थे।